हिस्सा लिए हैं। साथ ही आपको बता दें सूबे के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी पहुंचे हैं इस बैठक में। तकरीबन सवा घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है इस बैठक को लेकर। एक एक अपडेट से इस बैठक से जुड़ी हम आपको लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ओपी धनखड़ और निशांत सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज उस बीच यही किसान आंदोलन पर बैठक जो है वो लगातार जारी है। गृहमंत्री के साथ ये बैठक सूबे के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और साथ ही दोनों पार्टियों को प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और निशांत सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। क्या कुछ इस बैठक से बाहर निकलकर सामने आएगा हम लगातार आपको बताते रहेंगे। हमारे तमाम सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। पिछले सवा घंटे से ये मंथन चल रहा है, किसान आंदोलन को लेकर चर्चा की जा रही है इस बैठक में। ब्रेकिंग न्यूज उस बीच यही गृहमंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी और जेजेपी का मंथन लगातार जारी है। डिप्टी सीएम और सीएम भी इस बैठक में मौजूद हैं। दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह भी इस बैठक का हिस्सा बने हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बैठक से ठीक पहले की, जब दोनों लोग यहां पर पहुंचे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तस्वीर, साथ ही आपको बता दें सीएम मनोहर लाल की भी यह तस्वीर इस बैठक से पहुंचने से पहले। और तकरीबन सवा घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है इस बैठक को शुरू हुए। क्या कुछ इस बैठक से निकलकर बाहर सामने आएगा हम लगातार आपको बताते रहेंगे और इस बैठक के मायने क्या हैं ये भी हम समझाने की कोशिश आपको लगातार कर रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर इस बैठक में बातचीत की जा रही है। पिछले सवा घंटे से मंथन हो रहा है, आगे रणनीति क्या कुछ हो इसको लेकर बातचीत की जा रही है। तो गृहमंत्री शाह संग बीजेपी और जेजेपी का मंथन लगातार जारी है। ओपी धनखड़, निशांत सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। पिछले सवा घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है इस बैठक को शुरू हुए और अब ये बैठक लगातार जारी है। किसान आंदोलन पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। चलिए अपने सहयोगी स्पर्श के पास चलना चाहेंगे। स्पर्श, इस बैठक को लेकर सबसे पहले मैं चाहूंगा आप ताजा अपडेट्स बताएं, क्या कुछ है? देखिए वैभव, बैठक लगातार चल रही है, एक घंटे से ऊपर हो गया है बैठक को। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और दोनों ही पार्टी बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद हैं और लगातार जो है कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है अंदर बैठक में कि किस तरीके की जो स्थिति है वो हरियाणा में जो है चल रही है और गठबंधन सरकार किस तरीके से जो है फिलहाल हरियाणा में चल रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन के चलते जो विधायक है उनका जो है विरोध जगह जगह हो रहा था, इससे जो दबाव की स्थिति है वो कहीं ना कहीं जो है विधायकों पे देखने को मिल रही थी और इसी चीज जो है मुलाकात है वो अमित शाह के साथ काफी अहम मानी जा रही थी और फिलहाल ये मुलाकात जो है एक घंटे से जारी है। अच्छा स्पर्श, क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बैठक से, क्या निकल कर बाहर सामने आ सकता है, इस बैठक के मायने एक बार मैं समझने की कोशिश करूंगा आपसे। देखिए वैभव, अगर इस बैठक की हम बात करते हैं, इस बैठक में कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन हम कहा जाए तो, क्योंकि लगातार हरियाणा का जो विपक्ष है कांग्रेस वो ये कह रहा है कि सरकार के पास जो है बहुमत नहीं है, सरकार जो है अल्पमत में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान निकलकर सामने आया था। पिछले दो दिनों के घटनाक्रम को हम देखें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने निर्दलीय विधायकों से मुलाकात की। इस बीच आज हरियाणा के उप मुख्यमंत्री जननायक जनता पार्टी के जो दुष्यंत चौटाला है उन्होंने अपने तमाम विधायक है जननायक जनता पार्टी के उनसे दिल्ली में मुलाकात की। तो कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है कि हरियाणा सरकार में सब कुछ जो है ऑल वेल, ऑल इज वेल की स्थिति में है। बिल्कुल स्पर्श, अविश्वास प्रस्ताव की भी बात हुड्डा की तरफ से कही जा रही है। लगातार हम आपसे अपडेट से पूरी खबर पर लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए स्पर्श आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गृहमंत्री शाह के साथ जो है ये बैठक जारी है। आपको बता दें कि सूबे के सीएम और डिप्टी सीएम दोनों इस बैठक में मौजूद हैं और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष दोनों पार्टियों के ओपी धनखड़ और